जे आईएस यूनिवर्सिटी खोलेगी राज्य के पहली गैर सरकारी वेटरनरी मेडिकल कॉलेज। जे आईएस यूनिवर्सिटी ने आगरपाड़ा स्थित अपने कैंपस में चौथा कन्वोकेशन मनाया, जिसमें 1086 स्नातकों को डिग्री और मेडल प्रदान की गई। कार्यक्रम में नेशनल यूनिवर्सिटी बांग्लादेश के प्रोफेसर मसूर रहमान, बांग्लादेश के डेफोडिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष डॉ एम डी शबूर खान, काठमांडू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भोला थापा के अलावा देश के कई शिक्षाविदों ने भाग लिया। संस्थान के डायरेक्टर समर्पित सिंह ने बताया कि जेआईएस अपना मेडिकल कॉलेज बनाने के बाद वेटरनरी कॉलेज खोलने वाली है, जो हुगली जिले के मगरा में खुलेगी। खुशी का महसूस होता है कि आज हमारे 14 कॉन्वोकेशन में हम लोग आए, 1000 से ज़्यादा बच्चे लोग को कॉन्वोकेशन की डिग्री मिल रही है। तो ये मेहनत उनकी मेहनत से ही हुआ है। हमारा जो रोल है कि एजुकेशन प्रोवाइड करना सोसाइटी को, बट बच्चे अपने आप से ही मेहनत करते हैं, बच्चे अपने आप से जिगरा करके ही उनका मेहनत कर रहे हैं। तो हमको अच्छा लगता है कि आज हम लोग इतने अच्छे मुकाम में पहुँचे हैं कि हमने इतने सारे इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हैं, स्पीकर फ्रॉम बांग्लादेश नेपाल से आए हैं, वो मौजूद हैं यहाँ पे। तो अच्छा लगता है कि हम एक कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम इंडिया के डेवलपमेंट। हमारा अपना नया मेडिकल स्कूल स्टार्ट हुआ है, मेडिकल कॉलेज, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो रहा है उसका, और हम लोग एक वेटनरी कॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं मोगरा में। तो प्राइवेट में फर्स्ट वेटनरी कॉलेज ऑफ बंगाल होगा। ये कहाँ पे होगा? मोगरा में, चिंचोला। जेआईएस के मैनेजिंग डायरेक्टर सरदार तरनजीत सिंह ने कहा कि हमारी कोशिश ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रोजगार का अवसर प्रदान करना है। तो मेरे पिताजी ने, उनकी इच्छा थी कि समाज के लिए कुछ किया जाए, हम अपना काम कर रहे हैं। बाकी कैसे लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो समाज बोलता है कि समाज को अगर हम अच्छी सेवा करेंगे तो हम अच्छा कहेंगे। बाकी आप ज़्यादा जानते हैं कि हमारे बारे में लोग क्या कहते हैं। देखिए क्या है, हमारा कारण जो है कि लोगों को और से ज़्यादा शिक्षा दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोजगार किया जाए।